वहीं अगर आप बात करें मोरबी हादसे की, तो अब तक अब आपको समझा देते हैं कि अब तक इस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से इस पूरी घटना पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ चुकी है। तो इसमें आपको बता दें कि SDRF और NDRF की टीमों ने रात भर बचाव ऑपरेशन चलाया है और अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी घटनास्थल पे तमाम टीमें मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। साथ ही साथ कक्ष और राजकोट से तैराकों और दमकल की 7 टीमों को वहां पर रवाना किया गया है, वो भी पहुंच चुकी हैं। साथ ही साथ कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। और इस हादसे के बाद जामनगर से वायुसेना के 50 गरुड़ कमांडो और 50 रेस्क्यू बोट मौके पर मौजूद हैं और जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख भी जताया और साथ ही साथ आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का देने का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है। घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की बात सरकार की तरफ से कही गई। इसके अलावा ब्रिज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप के पास थी, जिसके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में ओरेवा ग्रुप ने मार्च 2022 से मार्च 2037 तक का समझौता किया था और यही वजह है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस पूरे हादसे की उसके मानी जा रही है। 15 साल के लिए मोरबी नगर पालिका के साथ ओरेवा ग्रुप ने समझौता किया था। मोरबी में हुए हादसे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शोक व्यक्त किया और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो देखिए। गुजरात में जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और उस मोरबी डिस्ट्रिक्ट में जो हैंगिंग ब्रिज टूट गया है, जिसमें सैकड़ों लोग चढ़कर गए थे, तो कम से कम अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक 138 से 140 लोग मृत्यु हो चुकी है। तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से और सारी जनता की ओर से गहरा दुख प्रकट करते हैं और हम उन आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो मृतक कुटुंब है उनको, उनके कुटुंब को शांति मिले और ये दुखद घटना को सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे। और इसी समय मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस ब्रिज बनाने में इन्वॉल्व है, इसकी क्वालिटी हो, इसका कंस्ट्रक्शन हो, क्यों